ये रेसिपी खाना बनाने की हमारे यहाँ जो शेल्टर की है वो सब लोगों ने मुझसे कई बार मांगी और वो रेसिपी मैंने सबको दी भी है। आज मुझे किसी ने दोबारा बोला है। इसके दो रीजन है, एक तो मुझे ये रेसिपी देनी है खाना बनाने की, दूसरा कुछ लोगों ने मतलब बताया रीजन बताया कि उन्होंने क्यों मांगी रेसिपी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी रीजन। ठीक है, देखो हमने क्या करते हैं, हम लोग पहले पानी उबाल लेते हैं, जब वो पानी पूरा उबल जाता है उसके अंदर कच्चे अंडे डाल देते हैं। ये जो है ना कच्चे अंडे, ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, ये जो है ये कच्चे अंडे हैं, पर ये पीसीज में नहीं है, ये पानी के अंदर इतनी बुरी तरह मिल चुके हैं पानी से, इनको अलग नहीं कर सकते। फिर हमने डाल दिए इनके अंदर चावल। जब ये चावल उबल जाएंगे, चावल और अंडा कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि चावल ही फूल जाएंगे, अंडे भी इतने छोटे छोटे बारीक बारीक धागे में, वो भी ये जब फूल जाएंगे अच्छे तरीके से बन जाएंगे, इनके अंदर भीगा हुआ सोयाबीन देखो वो रखा हुआ। फिर थोड़ी देर के लिए भीगा हुआ सोयाबीन डालेंगे, सोयाबीन इसलिए भिगोया है कि उसमें डलते सारा पानी ना पी जाए इसका, नहीं तो फिर इसमें पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सोयाबीन, अंडा और चावल इस रेसिपी में कोई भी जना अलग करके नहीं दिखा सकता, चाहकर भी नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ये तो हो गई रेसिपी। अब मैं देती हूँ क्वेश्चंस के आंसर। ये कई लोगों ने मुझे इसलिए बोला कि मैडम हमने आपकी रेसिपी बनाई, बच्चे उन्हें खाते भी हैं। बेटे इसे घुमाइए, चिपक रहा है, इसे घुमाते। हम लोग बनाते हैं आपकी रेसिपी, बच्चे उसे खाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अंडा चावल सोयाबीन अलग नहीं कर पा रहे, तो वो सारा खाना खा लेते हैं, इससे खाने की वेस्टेज नहीं होती है। नौ बच्चे, इससे खाने की वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने उनके लिए बनाया कि ये रेसिपी दिखा देना, अगली बार कोई भी कहे ना कि इसके अंदर अंडा नहीं है, इसके अंदर नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज हम यूज नहीं करते, अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, ऐसे करें, तो उनको ये वाली रेसिपी दिखा देना। दूसरी बात बेटा, जो भी जना काम कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो, किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी सेवा कर रहे हो, उन सड़क के जो बच्चे जो इस समय लॉकडाउन में पीछे 51 दिन से भूखे घूम रहे हैं, उनका पेट भरने के लिए कर रहे हो। फिर भी आप छोटे छोटे बच्चे हो, नए नए हो, गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, डिमोटिवेट करता है, और आपको जवाब देना उनका पेट भरने के लिए कर रहे हो। फिर भी आप छोटे छोटे बच्चे हो, नए नए हो, गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, डिमोटिवेट करता है, और आपको जवाब देना है, तो सिर्फ सिंपल सा जवाब देना, लड़ना नहीं है। जिसे डाउट है इसमें अंडा नहीं है, वो इसे खा के देख लो, सिंपल। या फिर क्या सामने वाले ने खा के देखा इसमें अंडा है या नहीं है, तो दो जवाब देने हैं कि आपने क्या खा के देखा इसमें अंडा है या नहीं है, या फिर आप उसे खा के देखो, अगर उसमें फिर भी अंडा ना निकले हम इसे फॉरेंसिक लैब भेज देंगे फिर टेस्ट के लिए कि इसमें अंडा है या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इस तरह के लोग हैं उन्हें इग्नोर करना सीखो, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, वो आपको अपने खुद को ही आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अपने लिए काम करो, लोगों को बताने के लिए मत करो। मुझे बहुत बुरा लगा, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के थे, उन लोगों ने मुझसे रेसिपी मांगी, मैंने दी, फिर वो बाकी कहते हैं मैडम लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ डाल तो रहे नहीं हो, चावल उबाल के दे दे रहे हो, मैडम क्या करें। तो ये मेन वीडियो उनके लिए बनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड गुड लक, जो भी जना ये काम